हेलो दोस्तों, डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम सियाचिन वॉर मेमोरियल गए थे और वहां पर हमने हमारे अमर जवानों को श्रद्धांजलि देकर वहां से आगे सेल्फी पॉइंट पर चले गए थे। और सेल्फी पॉइंट से आगे की तरफ जो ओपी बाबा टेम्पल है, जहाँ तक सिविलियन जा सकते वहाँ तक हम गए थे। और साथ ही साथ मैंने आपको ऑपरेशन मेघदूत की पूरी कहानी भी बताई थी। तो यदि अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का रोड टू लद्दाख का सफर शुरू करते हैं। और जैसे ही हम सियाचिन वॉर मेमोरियल से निकले तो 4:40 हुए थे और यहाँ पर हमें एक जगह पर रुक जाना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर सड़क बनाने का काम चालू था। और जैसे कि आने के समय मैंने दिखाया था कि यहाँ पर पूरी नई सड़क बनाई जा रही है, तो उसी के अंतर्गत ये सड़क को अभी आगे बढ़ाया जा रहा था। और यहाँ पर इन्होंने पूरी नई डामर बिछाई हुई थी और मशीन जो थी वो आगे डामर बिछाने का काम कर रही थी, और उस वजह से यहाँ पर जो पूरा रास्ता था वो ब्लॉक हो गया था। तो हमने जब इनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा तो उन्होंने बोला, सर कम से कम आधा पौना घंटा आपको रुकना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हालांकि हमें जल्दी पहुंचना था क्योंकि हमें वहां पे कैंपिंग साइट भी ढूंढनी थी और टेंट भी लगाना था। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि यहां पर आगे ट्रक खड़ा है और उसके पीछे ये पूरा जो रोड बिछाने वाला मशीन है वो खड़ा है, तो यहां से कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं था, तो हमें यहीं पर रुकना पड़ा। तो चलिए थोड़ी देर रुककर देखते हैं कि यहां पर ये किस तरह से सड़क बनाते हैं, और आपको भी दिखाता हूं। और ये जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर ये जो सारे लेबर है, ये मैंने आपको आने के टाइम बताया था कि ये झारखंड वाले लेबर है। तो अभी अल्पेश भाई सबको चॉकलेट बांट रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आए थे, लेकिन ये मजदूर लोग को काम करते देख हमने इन्हीं को थोड़ी सी चॉकलेट दे दी। और अभी ये जो ताज़ा जो डामर बिछा है उस पर अभी रोड रोलर घूम के उसको सपाट बना रहा है, तो उम्मीद है अभी सड़क खुल जानी चाहिए। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 45 तक हम लोग रुके यहाँ पे, और अभी रोड क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने थोड़ा सा जगह छोड़ा है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। अभी भी इनका काम चालू है, खत्म नहीं हुआ है। और तो अभी ऑलमोस्ट अंधेरा होने को है, आप देख सकते हो सामने पहाड़ों पे अभी सनलाइट जाने वाली है, और अभी हमें फटाफट हमारी कैंप साइट तक पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कितने बजे तक कैंप साइट पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच गए हैं, और ये है यारबसो लेक। अभी यहाँ पर एक टी पॉइंट कुछ बना हुआ है, तो यहीं पर हम लोग कैंपिंग करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तक पता नहीं है, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। वापस जाके देखते, टेम्पो ट्रैवलर भी आई हुई है, तो क्या है पोजीशन देखते हैं। यहाँ पर कैंपिंग तो करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, ग्रासलैंड भी है, लेक एक्चुअली ड्राई आउट हो गई है, तो लेक तो नहीं दिख पाएंगे, लेकिन लोकेशन बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे कुछ वॉशरूम जैसा भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक टी पॉइंट है जो फिलहाल बंद है, तो उसी के नीचे हम लोग कैंपिंग करने का प्लान करें, क्योंकि कोई है ही नहीं, सो वी कैन डू इट देयर असी से संभाल। सो दिस इज द लोकेशन, ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों कैंपिंग शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हम अपनी कैंपिंग लोकेशन पे, और यहाँ पे कैंपिंग करना है। लेकिन दरअसल इशू ये है कि ये जो कैंप साइट है यहाँ पे कोई है नहीं जिसे हम पूछ सके। तो सामने की तरफ एक टेम्पो ट्रैवलर खड़ी थी, वहाँ पर गए थे अल्पेश भाई पूछने के लिए, तो वो पनामिक के ही कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि वो चाय वाला तो अभी चले गया है, सुबह आएगा, तो आप कैंपिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आप गंदा मत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत लोकेशन है ये, तो आज तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और मैं ये जो कैंप साइट है इसका गूगल मैप लोकेशन भी आपको दे दूंगा, तो आप भी चाहो तो यहाँ पर भी कैंपिंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अंधेरा होने आ गए, तो पहले फटाफट टेंट पिच करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। और जो हमारे साथ में गुजरात वाले फ्रेंड थे दोस्तों, उनको भी हमने जब बताया कि हम लोग इस तरह से कैंपिंग कर रहे हैं, तो उनकी भी काफ़ी इच्छा हो गई थी यहाँ पर आने की, तो भी वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं यहाँ पर, और जब उन्होंने हमारा सेटअप देखा तो उनकी काफ़ी इच्छा हो गई थी हमारे साथ में रुकने की, लेकिन उनके पास में कोई प्रोविज़न नहीं था नाइट कैंपिंग का, तो उनको आगे वापस जाना पड़ा। चलो बाय बाय बाय। तो दोस्तों ये हमारे राजकोट वाले फ्रेंड है जो हमारे साथ में कल से है,
हमारे कल बाय। हुंडर में भी थे, यहाँ पे भी उनकी इच्छा हो गई हमारे साथ में स्टे करने की। हमारा सेटअप देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में सिर्फ 2 जन का मतलब सोने का वो सब प्रबंध है, तो उनको हमें ना बोलना पड़ा, क्योंकि उनके पास में कुछ भी मतलब उठने के लिए भी मतलब कुछ नहीं था, क्योंकि ठंडी अगर रात को बढ़ गई तो क्या उड़ेंगे कुछ पता नहीं ना मतलब, तो वही हिसाब से मना किया। और हम यहाँ अभी अपना सेटअप लगा दिया है, थोड़ी देर में कुकिंग कुछ करेंगे, और ये हमारा आज का सेटअप है, और ये हमारा टेंट भी रेडी है, लाइट वाइट लग गई है, और ये बाइक गॉड ग्रेस हमें ये ऊपर कैनोपी मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे टी स्टॉल था जैसे मैंने आपको आने के टाइम पे बताया। तो ये पूरा सा सेटअप अच्छा सा बन गया आज का, और एक बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, खाना आज का पकाना शुरू करते हैं, और आपको बाद में फिर सब सेटअप दिखाते हैं। और वहीं दोस्तों, कुछ देर में हवाएं भी काफ़ी तेज़ हो गई थी, तो हमने यहाँ पर अपना खाना बना लिया और खाना खा भी लिया। तो सॉरी, आपके लिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, क्योंकि हवाएं तेज़ थी तो खाना जो था वो ठंडा हो रहा था, तो हमने ये ठंडी में हमें गरम गरम खाने में शूट करने का दिमाग में ही नहीं आया। और उसी दौरान हमारे जो राजकोट वाले फ्रेंड्स था उनका भी फ़ोन आ गया था कि वो लोग सुमूर विलेज पहुँच गए और वहाँ पर उन्हें होम स्टे भी मिल गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात थी। वैसे तो अगर हमारे साथ में रुकते तो हमें भी काफ़ी मज़ा आता, लेकिन अभी हमारे पास उनके रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और दूसरी बात कि जब भी आप ऐसी जगहों पर नाइट कैंपिंग करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इस तरह से ये पावर बैंक कैरी करता हूँ, और ये पावर बैंक मैंने खुद ही बनाई हुई है, और इसका जो वीडियो है ये भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, उसकी लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप में से भी किसी को इस तरह से कैंपिंग के लिए पावर बैंक बनानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इसका जो बैकअप है ये भी काफ़ी अच्छा है, ये कम से कम 3-4 दिन चल जाती है। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप नाइट कैंपिंग कर रहे हो तो उसमें आपको सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है वो मैं अल्पेश भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको समझा के बताए कि नाइट कैंपिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले टेंट में सोते हैं तो जानवरों का खतरा रहता है, तो ये एक पैटल का पूरा एक्चुअली ये मोनोपोड है कैमरा का, लेकिन बहुत भारी है, बहुत पुराना है तो ये बहुत भारी है, तो ये एक मोनोपोड एक यूज़ कर रहे हैं हम, और साथ में रात को रखते हैं ताकि ज़रूरत हो तो। ये पूरा लोहे का है और काफ़ी वजन वाला है, 1.5 किलो शायद वजन होगा उसका भी, तो ये एक काम में आता है। दूसरा, ये एक चाकू साथ में रखते हैं, ये एक काम में आता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट, जैसे कि कहीं भी जाओ तो जानवर आ जाए तो उनके लिए ये एक करंट वाला टॉर्च है, आदमी हो या जानवर हो कुछ भी हो, हाई वोल्टेज है। हाँ, और ये साथ में टॉर्च भी है, ये मल्टीपर्पज है, तो ये एक साथ में रखते हैं हम। और उसके अलावा ये अगर गौर से देखेंगे, ये विसल है, ये विसल साथ में रखते हैं, क्योंकि दूर दूर यहाँ घर भी है, कहीं भी हम रुकते हैं तो आसपास में कोई घर हो ऐसे, और उनको जान कर देते कि हम भाई यहाँ ऐसे टेंट लगा रहे हैं, हम बोल के ही रुकते हैं, तो अगर रात को कुछ खतरा हुआ कुछ भी हुआ तो ये जोर से विसल बजाओ तो आराम से कोई ना कोई हेल्प मिल सके, तो ये विसल भी साथ में हम टेंट में रखते हैं। तो ये कुछ बताना था आपको, तो ये बस शेयर करना था आपके साथ हम कैसे कैंपिंग करते हैं और क्या क्या सेफ्टी के लिए क्या क्या हम रखते हैं, बस वही शेयर करना था। तो फ्रेंड्स, खाना वाना हो चुका है और रात के करीबन 9:45 बज रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते होंगे और आपको शायद हवा की आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो हम लोग अपना टेंट में जा रहे हैं और अभी सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी निकल के पैंगोंग के लिए निकलना है सुबह जल्दी उठकर। और जो रास्ता है पैंगोंग का हमने सुना है कि बहुत ही ख़राब है, तो हम लोग जाके पहले थोड़ा सा इंक्वायरी करने वाले हैं कि अगर रास्ता कैसा है क्या है, क्योंकि हमारी जो कार है ये छोटी कार है, 4x4 व्हीकल होता तो एक बार खींच लेते, लेकिन ये कार को ज़्यादा डैमेज ना हो वही हिसाब से हम लोग रूट डिसाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल सुबह हमारा सफ़र शुरू करेंगे पैंगोंग के लिए, या तो वो डायरेक्ट अखम से होगा या तो फिर ले होके जाएंगे, जो भी होगा वो कल आपको पता चलेगा, क्योंकि आज हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि कल क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, अपना एक शपा के। तो लीजिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा day 9 भी यहीं पे ख़त्म होता है, और कल day 10 में सबसे पहले मैं आपको इस खूबसूरत लोकेशन के ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा, और फिर यहां से हम जाएंगे पनामे की तरफ
जहाँ पर यहाँ के फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, और फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे पेंगोंग लेक की तरफ। और पेंगोंग जाने के लिए हम कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं वो जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपके अभिप्राय भी हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।